1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी और आप इजीली लिख पाओगे, और जो बार बार आपको क्रैम्प आता है बीच बीच में लिखते समय, वो भी आपका कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे राइटर्स क्रैम्प जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या टिप्स यूज में ला सकते हैं और वो एक्सरसाइज क्या है जिन्हें फॉलो करके हम राइटर्स क्रैम्प को ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि राइटर्स क्रैम्प क्या होता है, इसके क्या लक्षण है, क्या कारण है, किस वजह से यह राइटर्स क्रैम्प जैसी कंडीशन हमें होती है। तो यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ ऑलरेडी एक वीडियो डाला गया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो में हमारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि राइटर्स क्रैम्प को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है क्योंकि राइटिंग का काम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी मसल फटीगनेस हो जाती है और उन्हें बार बार लिखते समय क्रैम्प आते हैं, और यह टाइम उनके एग्जाम का चल रहा है। तो इसलिए स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो इस परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आप इन टिप्स को फॉलो करें और इस वीडियो में जो एक्सरसाइज बताई गई है उन्हें फॉलो करके आप राइटर्स क्रैम्प जैसी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिन्हें हम राइटिंग करते समय अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी कि जब आप राइटिंग का काम कर रहे हैं और आपको बार बार क्रैम्प आ रहा है, तो ये छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करके आप राइटर्स क्रैम्प जैसी कंडीशन को कम कर सकते हैं। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। यह इसमें बात करेंगे कि आपको पेन को किस तरह से होल्ड करना है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको पेन को किस तरह से होल्ड करना है जिससे कि आपकी मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगे और आप आराम से कंटिन्यू अपने एग्जाम के लिए लिख सके। तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पेन है, तो इसको किस तरह से आपको होल्ड करना है। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में इस तरह से पेन को रखना है और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, और ये नकल आपके बहुत ज्यादा मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है ये बहुत ज्यादा लूज रहे, जिससे कि आप इजिली राइटिंग का काम कर सके और बहुत टाइम तक लिख सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी ग्रिप लूज रहे। आप ट्राई करने के लिए एक कॉटन का बॉल ले सकते हैं या फिर कोई छोटा पेपर रोल करके अपनी फिस्ट में यहाँ पर रख लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए कि राइटिंग की, जिसके इससे क्या होगा कि आपकी ग्रिप लूज रहेगी और आपको फिर हैबिट हो जाएगी कि आपका पेन का प्रेशर फिंगर्स के ऊपर ज्यादा नहीं आएगा। तो ये थी टिप नंबर 1। तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। टिप नंबर 2 में आपको क्या करना है, अगर आप पेन को इस तरह से होल्ड कर रहे हैं, यानी कि आपका थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनसे आप पेन को होल्ड करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मिडिल फिंगर का बस सपोर्ट ही लेना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, और ट्राई करिए कि ये जो पेन की टिप है वो आपकी क्रीज पर इधर की साइड रहे, यानी कि ना इधर जाए ना उधर जाए, ये सेंटर में रहे जिससे कि इससे सपोर्टेड रहे और आप आराम से बैठकर लिख सके। और इसमें आपको क्या करना है, आप ट्राई करिए पेन को 1/3 ऊपर से पकड़ने की, एग्जैक्ट आपको जरूरत नहीं है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे कि ये लेवल आपके लिए ठीक है, आप वहां से पेन को होल्ड करके फिर ग्रिप को लूज करके अपना राइटिंग का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन टिप हमारी टिप नंबर 3 के बारे में। कभी भी आप राइटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको अपने पोस्चर का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको एक सपोर्टेड चेयर पे बैठना है जिसमें आपको बैक रेस्ट भी हो, यानी कि आपकी बैक भी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी एल्बो, हैंड और फिंगर्स पूरा सपोर्टेड रहे, यानी कि इस तरह से यहाँ से आपकी फिंगर्स की टिप तक पूरा सपोर्टेड रहे, ऐसा ना हो कि आपका हैंड ही टेबल पर हो बाकी आपकी आर्म नीचे स्विंग कर रही हो। इससे क्या होगा, मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप राइटिंग का काम फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अपने पोस्चर का भी ध्यान रखिए, अपनी ग्रिप का ध्यान रखिए और अपनी मसल्स का भी ध्यान रखिए। तो चलिए अब जानते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में।
एक्सरसाइज नंबर वन, ये एक्सरसाइज आपकी जो फाइन मूवमेंट्स है यानी कि जो राइटिंग के लिए जो मूवमेंट्स होती है, जो मसल्स काम करती है, उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए काम आएंगी। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिस्ट बनाना। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको फिस्ट बनानी है टाइट और इसको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। फिस्ट आपकी टाइट होनी चाहिए इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ये आप दोनों अपने हाथों से भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। अपने हाथ को एक साथ आपको रिलैक्स छोड़ना है। और ये एक्सरसाइज आप राइटिंग करते समय अगर क्रैम्प आ रहा है तो बीच में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी हाफ फिस्ट, यानी कि आपको इस तरह से हाफ फिस्ट बनानी है। कंप्लीट फिस्ट नहीं बनानी है, हाफ बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 3 बार करनी है और इसको 10 टाइम्स आपका रेपिटेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज है आपका रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि बीच बीच में राइटिंग करते समय आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो आपके क्रैम्प आने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी मसल्स को रिलैक्स मिल जाएगा और वो पेन फ्री हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एक्सरसाइज आप टेबल पर इस तरह से हाथ को सपोर्टेड करके फिर आप इजिली कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी पैन वॉकिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको पैन को लेना है और उस पर इस तरह से फिंगर को ऊपर की तरफ चलाना है, उसके बाद फिर इसको नीचे की तरफ चलाना है। इससे आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी और आप इजीली लिख पाओगे और जो बार बार आपको क्रैम्प आता है बीच बीच में लिखते समय वो भी आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, इसको बोलते हैं पैन वॉकिंग एक्सरसाइज। इसको भी आपको बार बार रिपीट करना है, जब आपको टाइम मिले तब आप इसको बैठे हुए कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज के बारे में। फिफ्थ एक्सरसाइज है थंब एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, थंब को इस तरह से टच करना है एंड देन रिलैक्स, फिर टच करना है एंड देन रिलैक्स। इसके साथ साथ आप टिप को भी टच कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड रिपीट। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक्सरसाइज आपको बार बार करनी है। इन एक्सरसाइज को करके आप राइटर क्रैम्प जैसी कंडीशन को घर बैठे ही ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। हमारे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें राइटर्स क्रैम्प जैसी कंडीशन बहुत टाइम से है, तो आप पैनिक ना करें, जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है उन्हें फॉलो करें। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो लोग ज्यादा कमेंट करते हैं, तो आपको जो टिप्स दी गई है राइटिंग करते समय आप उन टिप्स को फॉलो करें और इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप धीरे धीरे राइटर्स क्रैम्प जैसी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। और उसमें बताई गई आपकी जो एक्सरसाइज हैं, जो टिप्स हैं, जो आपको बताया गया कि आप कोल्ड थेरेपी यूज में ला सकते हैं, तो आप आइसिंग भी करिए, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करिए और जो टिप्स आपको दी गई है उन्हें भी फॉलो करिए। तो मेरी इन स्टूडेंट से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है या फिर जिनको अभी स्टार्टिंग है तो वो एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर सके। एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके कमेंट्स आते रहे और उसके अकॉर्डिंगली मेरी नई वीडियो आ सके, क्योंकि आप लोग जो टॉपिक बताओगे हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।